हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग का एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी कि सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है। वास्तव में जब हम 60 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है और यहाँ से कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पार्टिकुलर क्रॉप दे दिया जाएगा और पूछेगा कि उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ है, तो आज हम इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो देखें, यहाँ पर लिखा गया है सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी कि किसी भी क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन कैसे माना गया है। NIVB लोग के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है, सेंटर ऑफ ओरिजिन टर्म जो है प्रपोज किए थे सर्वप्रथम NIVB लोग। साइंटिस्ट का नाम आपको अवश्य याद होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ओरिजिन जो दिए थे NIVB लोग ने दिए थे, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ ओरिजिन को 8 भागों में क्लासीफाई किया गया था 1926, ठीक है। फिर क्या हुआ था, 1935 के बाद सेंटर ऑफ ओरिजिन को 11 भागों में क्लासिफाइड कर दिया गया था। तो हम बताएंगे कब इसमें क्या प्रोसेस बनाया गया था। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन जो होता है कि किसी भी क्रॉप का वाइल्ड स्पीसीज जहां पर सबसे अधिक पाई जाती है वहीं उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। तो एक साइंटिफिकली डिफिनेशन बन जाता है सेंटर ऑफ ओरिजिन का कि किसी भी क्रॉप का वाइल्ड स्पीसीज जिस एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वहीं उस क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन मान लिया जाता है, ठीक है। तो आप आसानी समझ चुके होंगे। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन को दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट बात करेंगे प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड सेकेंड बात करेंगे सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो देखिए, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि किसी भी क्रॉप का, ठीक है, मान लीजिए कोई क्रॉप है, किसी भी क्रॉप का वाइल्ड स्पीसीज, वाइल्ड स्पीसीज जिस एरिया में पाया जाएगा और उसी क्रॉप का जीनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि किसी भी क्रॉप का वाइल्ड स्पीसी जिस एरिया में पाया जाता है उसी क्रॉप का जीनेटिक डाइवर्सिटी भी उसी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि उस क्रॉप का वाइल्ड स्पीसीज और जीनेटिक डाइवर्सिटी दोनों एक ही स्थान पर पाया जाता है तो उसे बोला जाता है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन का मतलब यह है कि किसी भी क्रॉप का वाइल्ड स्पीसीज जिस एरिया में सबसे अधिक पाया जाएगा वहीं उस क्रॉप का जीनेटिक डाइवर्सिटी भी सबसे अधिक देखा जाएगा, ठीक है। तो जहां पर इन दोनों वर्ड की बात होगा, वाइल्ड स्पीसी और जीनेटिक डाइवर्सिटी दोनों एक ही स्थान पर पाया जाए तो उसे बोला जाता है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन में क्या होता है कि किसी भी क्रॉप को वाइल्ड स्पीसीज को पाया जाएगा लेकिन जीनेटिक डाइवर्सिटी किसी अदर क्षेत्र में पाया जाएगा तो उसे बोला जाता है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। आप आसानी से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए, NIVB लोग 1926 में उसे 8 भागों में क्लासीफाइड किए थे सेंटर ऑफ ओरिजिन को। फर्स्ट था चाइना, सेकेंड हिंदुस्तान, फिर सेंट्रल एशिया था, एशिया माइनर था, मेडिटेरियन था, एबेसियान था, सेंट्रल अमेरिका था और साउथ अमेरिका था, ठीक है। तो हम एक लॉजिक के थ्रू आपको कुछ क्रॉप का नाम बताएंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि पार्टिकुलरली यदि पूछेगा कि चाइना में कौन कौन से क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन है तो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपको उस क्रॉप को उसी कंट्रीज के आगे शो करना पड़ेगा कि चाइना में कौन कौन से हैं, हिंदुस्तान में कौन कौन से क्रॉप के सेंटर ऑफ ओरिजिन माने गए हैं। यहाँ पर जो भी क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया गया है NIVB लोग के अकॉर्डिंग, यानी कि उस क्रॉप के वाइल्ड स्पीसीज के थ्रू दिया गया है। लेकिन आप यदि मान लीजिए सपोज कल्टिवेशन के थ्रू पढ़ेंगे तो कहीं कहीं क्या होता है कि क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन आप कुछ पढ़े रहते हैं लेकिन वाइल्ड स्पीसीज के अकॉर्डिंग NIVB लोग के अकॉर्डिंग कुछ अलग दर्शाया गया। जैसे आप पढ़े होंगे कि वीट का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है साउथ वेस्ट एशिया होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर उस अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि कंपटीशन में या आपके एग्जाम में पूछेगा तो देगा कि NIVB लोग के अकॉर्डिंग बताइए कि उस क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई पूछे कि सोयाबीन का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है तो आप बताएंगे चाइना है, ठीक है। ऑलरेडी कल्टिवेशन में भी आप पढ़े होंगे कि सोयाबीन का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है वह चाइना ही होता है, ठीक है। कहीं कहीं सपोज मान लीजिए पूछेगा कि ग्रेप्स का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, ग्रेप्स का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है NIVB लोग के अकॉर्डिंग, तो आप बताएंगे एशिया माइनर। तो आपको हर एक क्रॉप को आसानी से याद करना पड़ेगा। तो आप कैसे याद करेंगे, यही आपको सेंटर ऑफ ओरिजिन में शो करना है। पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए नोट के रूप में लिखा गया, आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ला ऑफ होमोलॉगस सीरीज
किसने दिया था, तो ला ऑफ होमोलॉगस सीरीज जो दिए थे एनआईवीबी लोग ने 1951 में दिए थे, ठीक है। ला ऑफ होमोलॉगस सीरीज को ला ऑफ पैरेलल वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे याद करेंगे, सपोज देट मान लीजिए चाइना है, पहले देखिए याद कैसे करेंगे, पहले याद कर लीजिए सी एच सी, सी एच सी, तो सी से चाइना, एच से हिंदुस्तान, सी से क्या हो जाएगा सेंट्रल एशिया, तीन को आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए चाइना में क्या होता है, चाइना में सोयाबीन का कल्टीवेशन अधिक होता है, तो चाइना में याद कर लीजिए सोयाबीन, पीच और सिट्रस साइनेसिस, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान में यदि बात करें तो हिंदुस्तान के लोग क्या होते हैं, चावल अधिक खाते हैं, चावल और बैंगन की सब्जी और उसके साथ मूंग की दाल। तो आपको आसानी से कुछ क्राइटेरिया मालूम चलेगा कि जो हिंदुस्तान के लोग होते हैं वे चावल और बैंगन की सब्जी और मूंग की दाल का यूज करते हैं। तो आपको हिंदुस्तान में यही तीन क्रॉप राइस, ब्रिंजल और मूंग की याद होना चाहिए। अब सेंट्रल एशिया की बात करें, सेंट्रल एशिया में देखिए ब्रीड व्हीट, कैरोट, रेडिश और चिकपी। तो देखिए सेंट्रल एशिया यानी कि सी से स्टार्ट है, तो सी से कैरट, सी से चिकपी हो जाएगा और आप एक रेडिश याद कर लीजिएगा और ब्रीड व्हीट। देखिए यहाँ पर दिया हुआ ब्रीड व्हीट, इनकॉर्न व्हीट और एक है ड्यूरम व्हीट। काफ़ी लोग क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि किसमें इनकॉर्न व्हीट हो जाएगा, किसमें ब्रीड व्हीट हो जाएगा या ड्यूरम व्हीट। तो हम एक ट्रिक बताते हैं, लॉजिक बताते हैं आपको, ऑलरेडी आप सेपरेट कर पाएंगे कि किसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए बी के बाद क्या आता है, बी के बाद तुरंत क्या आता है, सी आता है, यानी कि सेंट्रल एशिया की बात करेगा तो बी से जो मीनिंग स्टार्ट होगा वहीं आएगा, यानी कि सी, यानी बी के बाद सी आता है, यानी कि सेंट्रल एशिया है तो बी आएगा, यानी कि ब्रीड व्हीट को ऑलरेडी आपको पता हो जाएगा कि सेंट्रल एशिया में ही आएगा बी, क्योंकि बी के जस्ट बाद सी आता है, तो सी जिसमें आएगा वहीं वाला स्टार्ट होगा बी, ब्रीड व्हीट, ठीक है। फिर कैरेट, रेडिश और चिकपी, ठीक है, सेंट्रल एशिया सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाएगा। एशिया माइनर की बात करेंगे तो एशिया माइनर, ठीक है, इसमें क्या होता है, इनकॉर्न व्हीट, ड्यूरम, ग्रेप्स और आलमोंड आता है, ठीक है। और मेडिटेरियन में बात करेंगे, मेडिटेरियन का मतलब होता है मीडिल, ठीक है। तो जो डी अल्फाबेट में जो इंग्लिश वर्ड है वह बी और ई के बीच में आता है, ठीक है, बी और ई के बीच में आता है डी, इसीलिए मेडिटेरियन। मेडिटेरियन का मतलब मेडिटेरियन, यानी कि सपोज दैट आपको समझा रहे हैं बस कि आपको ऑलरेडी याद कैसे हो पाए, ठीक है। तो मेडिटेरियन का मतलब होता है कि ब्रीड व्हीट और इनकॉर्न व्हीट के अंदर, यानी बी और सी के मध्य का जो वर्ड है क्या है, डी है, यानी कि मीडियम में आ रहा है, तो इसमें ड्यूरम व्हीट हो जाएगा। तो आप आसानी से समझ चुके हैं कि किसमें ब्रीड व्हीट होगा, इनकॉर्न व्हीट और ड्यूरम व्हीट, ठीक है। तो मेडिटेरियन में क्या हो जाएगा, ड्यूरम व्हीट, लेट्यूस, ब्रॉड बीन और कैबेज आता है, ठीक है। एबेसिनियन, इसमें क्या होता है याद कर लीजिएगा, बार्ले, लेंटिल, पी, देखिए ऐसे याद कर लीजिएगा, एबेसिनियन में बार्ले, लेंटिल, पी, तीन चार बार बोलिए बार्ले, लेंटिल, पी, आपको आसानी से याद हो जाएगा। सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका का मतलब समझ रहे हैं मैक्सिको, यानी कि कार्न, मेज, मेज का सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ होता है, मैक्सिको, यानी सी से कार्न। तुम सेंट्रल अमेरिका में सी से स्टार्ट है तो कार्न, सी से कार्न हो जाएगा, सी से कामन बीन हो जाएगा, सी से कार्टन होगा। तो आपको ऑलरेडी पता हो जाएगा कि सेंट्रल अमेरिका में सी से जितने भी मीनिंग आए, जैसे मान लीजिए कॉर्न हो गया, कॉटन हो गया और कॉमन बीन, ठीक है। फिर उसके बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में देखिए, साउथ अमेरिका तो यस से स्टार्ट है, यस से मतलब स्वीट पोटैटो याद कर लीजिए। फिर पोटैटो के बाद टोमैटो, देखो स्वीट पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो के बाद टोमैटो, टोमैटो के बाद टोबैको, ऑलरेडी एक ही सीक्वेंस में नेम आपको आसानी से याद हो जाएगा और उसमें पपाया भी आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया गया था कि एनआईवीबी लोगों ने 1935 के बाद जो सेंटर ऑफ ओरिजिन एड दिए थे उसमें से क्या किए थे, हिंदुस्तान और साउथ अमेरिका में, ठीक है, उसको और अलग अलग भागों में क्लासीफाइड कर दिए थे। तो इसीलिए 1935 के बाद हिंदुस्तान को उन्होंने इंडो वर्मा और इंडो चाइना में क्लासीफाइड किए थे, और जो साउथ अमेरिका था उसको पेरू, चाइल और ब्राजील पैरागावा सेंटर में डिफाइंड किए थे। तो टोटल सेंटर ऑफ ओरिजिन, यदि कोई पूछे कि 1935 के बाद एनआईवीबी लोगों ने सेंटर ऑफ ओरिजिन को कितने भागों में क्लासीफाइड किए थे, तो 11 भागों में। यदि कोई पूछे 1926 में, तो आपका होगा 8 भागों में क्लासीफाइड किए थे, ठीक है, जो बाद में किए थे 1935 के बाद, इसीलिए इसको बोला जाता है सब्सिडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए कि हर एक क्राफ्ट किस कंट्रीज में आता है। मैं अपने तरीके से आपको काफ़ी हद तक समझाया,
और अपने रिटार्डिंग आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है, एक्सप्लेन ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन मैंने बताया कि किसी भी क्रॉप का, वाइल्ड स्पीसी जिस एरिया में सबसे अधिक पाया जाता है वहीं उस क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन मान लिया जाता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन को दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन का मतलब मैंने बताया कि किसी भी क्रॉप का वाइल्ड स्पीसीज जिस एरिया में पाया जाएगा वहीं पर उसी एरिया में उस क्रॉप का जीनेटिक डाइवर्सिटी भी पाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक माता ने जन्म दिया, ठीक है, यानी वाइल्ड स्पीसीज है और उसी माता ने उसका पालन पोषण भी किया, यानी कि सेम क्रॉप का वाइल्ड स्पीसी और जीनेटिक डाइवर्सिटी एक ही स्थान पर पाया जाएगा, तो उसको प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेकेंडरी में क्या होगा कि किसी भी क्रॉप का वाइल्ड स्पीसीज तो पाया जाएगा लेकिन जीनेटिक डाइवर्सिटी किसी अदर क्षेत्र में पाया जाएगा, तो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। फिर उसके बाद आपको ऐसे याद CHC याद कर लीजिए, सी से चाइना, एच से हिंदुस्तान, सी से सेंट्रल एशिया, फिर माइनर एशिया, मेडिटेरियन, एशियन, सेंट्रल अमेरिका, साउथर्न अमेरिका। ऑलरेडी आपको सीक्वेंस के रूप में याद हो और क्रॉप के नाम ऑलरेडी पता हो, बस इतना आपको एक्सप्लेन करना है, आपको अच्छे मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।